विवेक मेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो लेके कुछ नई आइटम्स जो बनाई हैं इंपोर्टेड पे वो दिखा रहा हूँ। अगली बार कुछ आइटम्स फिर चेंज कर दूंगा। ये देखिए इंपोर्टेड फैब्रिक पुटेड नेट, इस पर सब कुछ डिफरेंट लगा हुआ, मोती लगे हुए, लेस भी देखिए मैंने कोशिश करी है अलग तरह की इस्तेमाल करने की। ये देखिए आगे इसके संग मैंने अलग तरह की इंपोर्टेड नेट इस्तेमाल कर लिया डिजाइनर पैटर्न में। ये देखिए साड़ी का गेटअप देखिए कितना अच्छा आ रहा है, मेरे पास तो खैर बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। अच्छा इसमें एक खास बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा पीसेज नहीं बनते हैं, जो पीस बनते हैं वो लिमिटेड स्टॉक होता है। दूसरा इसका गला दिखाना, बहुत ज़्यादा लोगों पे नहीं आएगा जब भी ये पीस होगा कि अदरवाइज जो सूरत की आइटम्स आती हैं उनमें क्या होता है वो सेम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ होती है और हर एक को जो भी पैसे खर्च कर रहा है उसको कुछ डिफरेंट चाहिए कि बाज़ार में बहुत लोगों के पास ना हो। जिनको भी सूरत से अलग हट के आइटम्स चाहिए मेरे पास ज़्यादातर वो लोग ही आते हैं, सारे होलसेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के, सिटीज़ के। ये देखिए प्राइस हमेशा की तरह इसलिए नहीं बताता हूँ, नहीं बता रहा क्योंकि ये वेलवेट का ब्लाउज दे दिया, उसका ध्यान रखो धागेगा उसका, क्योंकि कस्टमर्स को बेचने में दिक्कत ना आए, अदरवाइज कस्टमर्स को बेचने में दिक्कत आ जाती है। ये देखिए एक और नया डिजाइन, नया कलर, ये देखिए शाइनिंग देखो, फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट, पीछे ये ब्लैक इस तरह से नेट इस्तेमाल कर ली, ब्लैक कॉमन डिजाइन है, पीछे से बैक जो है ब्लैक है। ये उठा लो, ये भी इंपोर्टेड नेट के साथ में एक अलग डिज़ाइन, अलग पैटर्न, अलग स्टाइल। अब इसमें नीचे देखिए मैंने पैनल में क्या किया है, इसके साथ ये इस तरीके से नेट का वो डाल दिया फ्लावर, इसका ग्रेस काफ़ी बढ़ गई, बहुत अच्छी बढ़ गई। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको डिफरेंट हटके चीज़ें बना के देता रहूँ, कुछ डिफरेंट स्टाइल। ब्लाउज भी देखिए मैंने अलग इस्तेमाल किया, इसमें कलर्स दिखाना होगा। एक और कलर पिस्ता कलर दिखा दो, बहुत अच्छा गेटअप आ रहा है उसमें भी। ये देखिए ये उन पे जिनके शोरूम्स हैं उन पे अच्छा बिकता है, या बुटीक्स हों शोरूम्स हों जिन पे अच्छे कस्टमर्स आते हैं उन लोगों पे ज़्यादा अच्छा बिकता है, जिन्हें डिफरेंट हटके आइटम्स चाहिए सूरत से अलग हटके, मेरे पास ज़्यादा आदमी वही कॉन्टेक्ट करते हैं। विकास ये दिखाना वो साड़ी फ्रूट, ये लो पहले ये ले लो, ये देखिए इंपोर्टेड लैकरा के संग मैंने इसके डबल पैनल के वो
इसमें डबल पैनल दे दी, इंपोर्टेड नेट है इसका, डबल पैनल दे दिया, यहाँ कंचा लगा दिया, इसके ग्रेस देखिए, फैब्रिक चीज देखिए, ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट से, हर सिटी से मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, हर होलसेलर्स हैं मेरे पास, उनको मैं सप्लाई करता हूँ। आइटम्स आपने देखे होंगे मेरे पास सूरत से, अलग हटके आइटम्स है, इसमें कलर दिखा रहा हूँ, कोल नहीं रहा इसके पीसों को, ये देखिए इस तरीके से, कोई से भी आइटम ले लो, ये ले लो इसके फुल ऐसी पड़ेगा। कई कस्टमर्स का आज भी फ़ोन आता है, वो कहते हैं, कहने के भाई साहब आपकी दुकान कहाँ पे है? दिल्ली। अरे हम तो सूरत सोचे थे, भाई साहब आपको सूरत की आइटम चाहिए, दिल्ली की आइटम चाहिए, आइटम से मतलब है, मतलब इस पूरी साड़ी में सूरत का कुछ भी नहीं है? नहीं, इसमें ये सब इम्पोर्टेड फैब्रिक, मटेरियल इम्पोर्टेड, स्टिचिंग लोकल दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, ये देखिए और आइटम ग्रे एंड पिंक। हाँ जी, इसमें कलर्स आते रहते हैं, चीजें अलग अलग करते हैं। डिफरेंट तरह से आइटम बनाई है, ये देखिए, इसमें मैंने चेन भी अलग इस्तेमाल करी है, ये भी अलग तरह का इस्तेमाल किया, सिल्वर चेन है इसमें। हाँ जी, ये देखिए, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट पैटर्न, ब्लाउज भी देखिए ऐसे ही रख दो, उसका कलर दिखा दो। इसमें जैसे मैंने ब्लू नीचे पैनल में ब्लू इस्तेमाल किया था, इसमें ब्लैक भी बना रहा हूँ ग्रे के संग। के संग ये डिफरेंट चीज है, देखिए इसमें कलर भी है, वो उठा लेना वाली। हाँ, ये चीकू और कोई भी दिखा दो, फिर वो बाकी अगली बार दिखा देंगे। सर कोशिश ये रहती है कुछ डिफरेंट बनाता रहूँ। अब ये मैंने जॉर्जेट के संग ये लगा दिया, इस तरीके की लेस इस्तेमाल कर ली, पीछे मैंने इसे टू टोन में बना लिया, आपको मैं ये लगा दिया, फैब्रिक डिफरेंट फैब्रिक इस्तेमाल किया, ये एक और दिखा दो, इसको भी दिखा दो, मलाई के संग ये इस्तेमाल किया, नेट कटिंग कर दी, बॉर्डर इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया,
इसमें भी कलर्स आएंगे, एक पूरा रेड साड़ी वाला प्लेन साड़ी लेस लुक अच्छी, इसमें भी कलर्स आएंगे, कई कलर्स बनाए हुए। ये इसका ब्लाउज बस बाकी अगली बात है। इसी तरह प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नई नई आइटम कोशिश करके मैं दिखाता रहूँगा। मैंने दोनों नंबर आपको दिए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैंने दो नंबर दे दिए, दो लड़कों को बैठा दिया। एक 8376918925 मैंने नीचे दिया हुआ, एक और दिया हुआ जो इससे ब्रॉडकास्टिंग भी होती है, बाकी वो रिप्लाई करते रहते हैं 7217818481। इन दोनों नंबरों पर रिप्लाई करते रहिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। आज मैं कहना चाहूँगा, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके लिए कहना चाहूँगा। एक तो जो सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो हो रहा है गलत तरीके से कर रहे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब या और भी जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, आप इसको किस लिए इस्तेमाल करते हो, क्या फ़ायदा इसका? बच्चों को मैं देख रहा हूँ पढ़ नहीं रहे। आज हम सिर्फ व्हाट्सएप की बात करेंगे, एक सेकंड सुन लो कौन है। आज सिर्फ हम व्हाट्सएप की बात करेंगे, नेक्स्ट में या किसी भी वीडियो में फिर बाद में आपको फेसबुक और बाकी चीज़ों के बारे में भी समझाऊंगा कि क्या है। व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं। मैंने हिस्ट्री का काम कर लिया, आपने साइंस का कर लिया, इसने मैथ का कर लिया, एक दूसरे को ने कॉपी कर व्हाट्सएप किया भेज दिया, अब आप उसको कॉपी कर लो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? हम व्हाट्सएप जो बनाया था इस चीज़ के लिए बनाया था, व्हाट्सएप बना था आपस में कुछ पर्सनल शेयरिंग के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, बाद में हम इंडियंस ने इसको इस्तेमाल कर लिया। आप बिजनेस पर्पस से इस्तेमाल करते हो, वेल एंड गुड। आप इसको आपस में कभी कभार होली दिवाली या जो भी किसी की बेस्ट विशेज हैं, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है या और कुछ, आप उसको विश करने के लिए करते हो, सही है। अब पूरे दिन इसी में लगे हो, सेल्फी खींच खींच के भेज रहे हो या बाकी काम करो, तो दैट इज़ नॉट द वे। आप या तो इसको बिजनेस के तरीके से इस्तेमाल करिए या उस तरीके से। मेरी आप सबसे सलाह ये है, ना सिर्फ बच्चों से, लेडीज से, जेंट्स से, सबको एक सलाह ये है, क्यों इस पर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया? आप थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, जो आपके साथ रहते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या अड़ोसी पड़ोसी या जहाँ पे भी आप, मैं हर एक के साथ सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, उनको तो टाइम दे नहीं रहे हो, उस चीज़ को देख रहे हो जो जिसे कहते हैं वर्चुअल दुनिया। आप उस दुनिया में जो इमेजिनरी दुनिया जो है नहीं, आप उस पे देख रहे हो वहाँ पे वो, तो कई कई मैं ऐसे मैसेज देखता हूँ जो व्हाट्सएप पे या वीडियोस देख, मैं तो खैर मेरे में तो मैंने सारी डाउनलोडिंग बंद करी हुई है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि लोग कर क्या रहे हैं। लोग वो कर देंगे, दो दो साल पुराना मैसेज घूम रहा है, बच्चा लापता हो गया, ये हो गया, पता ही नहीं है। इवन ये देखा है कि लोगों ने मैसेज आया किसी भी चीज़ का, चाहे वो किसी भी चीज को, नए साल का मैसेज आया, नीचे नाम लिखा हुआ, मैंने अपना ही नाम लिख दिया विवेक महेश्वरी, पता चला सामने वाले ने एज इट इज उसको फॉरवर्ड कर दिया। अरे भाई पढ़ तो ले, नीचे विवेक महेश्वरी लिखा हुआ, भेज कौन रहा है? कोई भी एक्स वाई जेड संजय गुप्ता या मनोज जैन या कोई भी आदमी भेज रहा है, वो ये तो सोच ही नहीं रहा नीचे विवेक महेश्वरी लिखा हुआ, आरती सड़े लिखा हुआ, भेज दिया। अरे भाई पढ़े लिखे आदमी हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किसको भेज रहे हो, कुछ तो हो। बहुत अच्छी चीज है व्हाट्सअप, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बशर्ते हम उसका ढंग से इस्तेमाल करें, उसका मिसयूज ना करें। हम उसमें बह गए, पता चला आधी आधी रात को बैठे व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। अरे व्हाट इज़ द मीनिंग यार? अपने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, ऐसे ऐसे हमारे देश में, दुनिया में महान लेखक हुए हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि हम दिमाग घूम जाता है। आप उनको पढ़ो, गेम्स खेलो, कुछ और करो, अपने लाइफ जो अपनी ज़िंदगी है उसको तो जी नहीं रहे हो, अब उस वर्चुअल दुनिया में जी रहे हो जो है नहीं, इमेजिनरी दुनिया जो सिर्फ वो है, आपने उस तरीके से घूम रहे हो, दैट इज़ नॉट द वे। ये खाली आज व्हाट्सएप के लिए बताया, बहुत जल्दी किसी न किसी वीडियो में सेम थिंग फेसबुक और उसके लिए भी है, बाकी चीज़ों के लिए भी है, यूट्यूब के लिए भी है। धन्यवाद, इसी तरह से प्यार देते रहें, इसी तरह